मैं आपसे आज एंजाइटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, और उसका रीज़न पता क्या है? एक मिनट, कैमरा ठीक करूँ पहले। ओके, मैं आपसे एंजाइटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, और उसका रीज़न ये है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को एंजाइटी है ना तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग अक्सर हर चीज़ को ऐसे ही सोचते हैं कि ये तो कोई दिक्कत है वाली बात ही नहीं है, और दूसरा जो बंदा है ना वो ड्रामा कर रहा है। अब मुझे मेरी लाइफ में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। बट एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी आराम से रहने नहीं देती, स्ट्रेस रहता है रात हो दिन हो, ठीक है। अब मुझे जो है मेरे को आदत सी पड़ गई, मुझे ज़्यादा नींद आती नहीं है, मैं सोता भी देर से हूँ, 12-1 रोज बच जाते हैं एंड हार्डली 4 घंटे मैक्सिमम 5 घंटे की नींद है। तो मैं अब इस चीज़ को इतना नहीं मतलब सोचता जितना पहले सोचता था, मगर लोग जो हैं वो हर चीज़ का पनंगा बनाने में लगे रहते हैं, ये कहते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल तो है नहीं, किसी भी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस हो सकता है, चाहे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज ये टी शर्ट पहनी है तो इसके लिए भी हो सकता कोई ऐसा नहीं है, तो खैर ये छोटी सी बात है। स्ट्रेस किसी भी बात का हो सकता है, आपने कहीं जाना है, आपने माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, आपने किसी से मिलने जाना है, कोई काम है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब एवरीथिंग गोज़ फाइन, स्ट्रेस इज ओके। लोग ये नहीं समझते, लोग मजाक करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई तेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भाई लाइफ में सब कुछ चल रहा है, यू आर सिंगल, यू आर अनमैरिड, तुम कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, दूसरे लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको स्ट्रेस किस बात का? स्ट्रेस नहीं है कि आप सिंगल हो और आपके साथ में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है इस तरह का कि आपको तंग करे या आपको घर के बच्चों का देखना है या समझिंग, जरूरी नहीं है स्ट्रेस वही सब हो। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, सपोज जैसे मैंने आपको बताया था माउंटेंस पे जाना हो पहले, हाँ मैं ये अगर कहूँ कि मैं ऐसा नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुझे भी बहुत फ़र्क पड़ता था, बहुत सोचता था मैं इस चीज़ के बारे में, बट अब मुझे इतना नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि मैंने अपने आपको समझाया है, क्योंकि सिचुएशंस कैसी हैं, बातचीत कैसी है, और मतलब हम हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते ना। अगर ठीक है, अगर मैं अनमैरिड हूँ, मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वही एक टेंशन या स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती लाइफ, ये तो अपने अपने ऊपर है ना, तो ये बातचीत है। मैं मेन रोड पे खड़ा हुआ हूँ, साइड पे, इसको हम ना नॉर्मली बोल देते हैं 200 फुट रोड, ये हमारा एयरपोर्ट वाला रास्ता है मोहाली का, तो उसके साथ में ये है यहाँ पे, मतलब उससे कनेक्ट होती है और आगे जाती है, जैसे आप देख रहे हो काफ़ी दूर का है ये, तो मतलब ये वो रोड है। तो यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं और सोचा कि आपसे थोड़ी देर बात करता हूँ, इसी बहाने थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा थक गया कार चलाते चलाते वैसे भी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कोई लेवल नहीं है, कोई टाइम नहीं है, किसी को कभी भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि 2 बजे होनी है, 5 बजे होनी है। अरे मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, साइड में रुका हूँ, तो मुझे एंग्जाइटी इस बात की थोड़ी सी है, थोड़ा सा स्ट्रेस है कि भाई मुझे टाइम से पहुँचना है। आज मैं सुबह गया था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और ट्रैफिक क्या था, एक ट्रक गिर गया था, जो काफ़ी बड़े ट्रक्स होते हैं ना वो वाले, वो गिर गया था और रोड के दोनों साइड पे, मतलब वो बीच में ऐसे गिर गया था, तो उस वजह से क्या है पूरी रोड ब्लॉक थी और लगभग 1-1.5 घंटा मुझे उसको रोड को पार करने लगा। तो स्ट्रेस तो होता है ना कि कितनी देर लगेगी, पता नहीं निकल पाऊँगा कि नहीं, और वैसे भी जैसे वरना ये बड़ी गाड़ी है मतलब साइज़ वाइज, तो ये फंस ना जाए, कहीं लग ना जाए, नई कार है, तो इस बात का स्ट्रेस तो माइंड में आता है। तो स्ट्रेस की कोई लेवल नहीं है, स्ट्रेस का कोई टाइम नहीं है, स्ट्रेस की कोई प्लेस नहीं है, तो एक परफेक्टली नॉर्मल चीज़ है ये। मेरे फ्रेंड्स जो है ना कुछ को छोड़ के मोस्टली कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता इसमें, देखो बोलते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर रियलिटी यही है। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि दीपक मैं तो तेरे व्लॉग्स नहीं देखता बिल्कुल भी, तो मुझे लगा कि सच ही बोल रहा हूँ ऑब्वियस है,
तो मैंने बुरा नहीं माना, ऐसे कहूँगा तो झूठ होएगा ना, बिल्कुल मैंने बुरा माना, थोड़ा सा लगा मुझे कि भाई क्या हो गया। चलो ये इस बात का बुरा नहीं लगा मुझे कि उसने मुझे कहा कि मैं आपके दीपक तेरे व्लॉग्स नहीं देखता, मुझे इस बात का बुरा लगा जो उसने आगे बात बोली ना, वो उसने मुझे बोला कि तुम यहाँ देखो सिटी में रहते हो, सिटी में रहने से क्या होगा, मतलब क्या करें हम, तुम अपने गमलों में पौधे लगा रहे हो या कुछ बात कर रहे हो या घर में कुछ सामान रख रहे हो या कोई भी डेकोर कर रहे हो एनीथिंग, तो हम उसको देख के क्या करें, या तो तुम होते ना कहीं पहाड़ों पे होते या बीच पे होते, कहीं इस तरह ऐसी जगह पे होते तो बात भी थी, तो मैं किस लिए देखूँ, मेरे को क्या मिलेगा इससे। तो उसकी बात तो सही है वैसे बट ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे कोई बोले तो अच्छा नहीं लगता, एनकरेज करना चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स को एनकरेज करो, उनको बताओ अपनी उनकी कमियां बताओ, नो डाउट, बट एटलीस्ट उन्हें एनकरेज तो करो। फ्रेंड्स को एनकरेज करने में कुछ नहीं जाता, उससे क्या है कि उनका और यू नो क्या बोलेंगे, उनका मनोबल बढ़ता है, उनको भी अच्छा लगता है कि देखो मेरे फ्रेंड्स हैं और मुझे इनकरेज कर रहे हैं, मैं जो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी उसमें यू नो प्रोत्साहन दे रहे हैं थोड़े से हिंदी वर्ड्स भी बोलने चाहिए, तो वो चीज़ें हैं। बट सारे फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते, कुछ ही होते हैं, फैमिली मेम्बर्स तो खैर बहुत ही कम होते हैं, रिलेटिव्स तो बिल्कुल ही 5% कह लो, 5 भी नहीं 2% कह लो, मेरे हैं फैमिली मेम्बर्स एंड मेरे रिलेटिव्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आप क्या अगर करते हैं या नहीं करते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ ही ऐसा होता है। बाकी देखो लाइफ में अगेन मैं वही बात बोलना चाहूँगा कि स्ट्रेस लेना स्ट्रेस नहीं लेना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। बट ये है कि आई एग्री विद एवरीवन कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जो चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं उन चीज़ों का हम कर ही क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते जब वो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो बस यही बातें हैं और तो कुछ नहीं है, और अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं अभी ज़रूर वीडियो में डालूंगा ये ख़त्म नहीं हुआ अभी वीडियो, अभी चलेगा ये। चलो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं और घर की तरफ चलते हैं, काफ़ी देर हो गई मैं आपसे बात कर रही जा रहा हूँ और मैं ये भूल गया कि घर भी जाना है अच्छा और पता एंग्जाइटी किस चीज़ से होती है, अगर हमें पता हो ना कि फ़्लाइट होनी है कोई या हम फ्लाइट में जाते हैं, उस चीज़ से काफ़ी एंग्जाइटी होती है। जैसे मुझे फ़्लाइट में जाने से बहुत एंग्जाइटी होती है, कई लोगों को इस बात का डर होता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में होता है। और कई लोगों के ना जेनेटिक्स में है कि लाइक कहने का मतलब यह है कि जेनेटिक्स आप समझते ही होगे, अगर नहीं पता तो मतलब आपके जीन्स जो होते हैं ना आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं मतलब उसके अंदर ये ऑलरेडी होता है। कई लोगों को मैंने देखा है एक तरह से हेरिडिटरी टाइप कह सकते हो, एक्चुअल में है नहीं पर उसमें क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स थोड़ा एंग्जाइटी में ज़्यादा रहते हैं ना तो बच्चों तक वो चीज़ आ जाती है। और जो एंग्जाइटी का लेवल बढ़ाने वाली चीज़ है ना वो होता है वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर आपको कभी भी ये चीज़ों से मतलब आप गुजर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का मतलब काफ़ी रहेगा, हो जाता है इससे भी। तो हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता, पहले बात तो हमें ये समझना पड़ेगा। कई लोग होते हैं ना हम जैसे मान लो बाहर खाना खाने गए हैं कुछ कर रहे हैं तो कई लोग मजाक करने लगते हैं यार तू नहीं पैसे खर्च सकता यार तू ये वो मतलब उसमें वो रहता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो एंड आप कभी पार्टी कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो आपको अगर आप किसी के फ्रेंड हो तो आपको पता है कि वो किस तरह की जॉब कर रहा है कितने पैसे खर्च सकता है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना सारा देखें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अमीर हो तो बाकी भी सभी अमीर हो। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस लाती है वो है रिलेशनशिप्स का। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप जो है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ हो सकता है या वर्क कोलीग के साथ, किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, भाई बहन में आपस में हो सकता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी लाती है। हर किसी को समझना चाहिए कि सबकी लाइफ जो है इतनी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अगर आप खुश हो तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी हो, और वैसे भी फ्रैंकली मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई ऐसा नहीं देखा जो 100% खुश हो, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम सभी में रहती है। और एक चीज़ जो है वो है जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं ना, किसे हर चीज़ परफेक्शन चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं नहा के आया था कुछ देर पहले तो मैंने ये पीछे टॉवल जो है छोड़ दिया, अभी मुझे इसका वो हो रहा है कि यहाँ पड़ा है, हालांकि मैंने खुद ने रखा है पर मुझे हो रहा है। तो ये चीज़ भी है स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों चीज़ें लेके आती है। अभी मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, पहले
हटा दिया, अब मैं इसको हटा गया हूँ तो अब मैं ठीक हूँ। वैसे ये चेयर भी रखी गलत जगह, ये उधर होनी चाहिए, बट हमारा जेम्स जो है ना वो इस जगह पे सोता है तो इस वजह से हाँ ठीक है साइड में टॉवल पड़ा है दिख गया, पर इस चेयर से तो हटा लिया। एक चीज़ और है कि अगर आपने ना कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम कोई भी फेस करी है, चाहे लड़ाई आपस में कपल में हो गई या घर पे हो गई या पेरेंट्स रिलेटेड या कुछ भी लड़ाई झगड़ा आपका पर्सनल कई दोस्तों के साथ या कुछ भी, तो वो भी स्ट्रेस का लॉन्ग टाइम का इफेक्ट उसका रहता है, तो ये उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। अब मेरे साथ क्या है कि मेरा जो लाइफस्टाइल हैबिट है ना जो, वो इतनी हेल्दी नहीं है, हेल्दी इन द सेंस कि फिट रहना चाहिए बंदे को, ठीक है ना, मेरा इतना नहीं है अभी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल, और भगवान की ऐसी कृपा है कि अब बारिश होने लगी तो एनी होप मैं कोशिश करने लगा हूँ ताकि मैं, चलो मैं मस्कुलर तो नहीं होने वाला वो तो मुझे भी पता है मगर एटलीस्ट मैं फिट तो हो सकता हूँ, तो इससे एंग्जाइटी और स्ट्रेस दोनों कम होती है। तो आप भी ट्राई करो, आप कैसे, अगर डॉग है तो आप उसको घुमाने लेके जाओ, अगर नहीं है तो आप खुद ही चले जाओ, फोन पे बात करनी कुछ भी, आप चलने लगो, उसमें क्या है आप फिट रहोगे, एंग्जाइटी वगैरह कम होगी। एंग्जाइटी यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल धीरे 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 करके ख़त्म कर देती है। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट उसको उसका सोल्यूशन तो खुद ही देखना पड़ता है। मगर जो आपके घर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपको सपोर्ट नहीं करें तो बहुत दिक्कत होती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भी फैमिली में हो या आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको प्लीज़ हेल्प करें, उसका मजाक मत बनाओ, उसको उल्टा मत बोलो, पर एटलीस्ट उसकी हेल्प करो ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरी बातें सुनने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ टिप्स मिले हो, तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।